और अब बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ से बड़ी खबर, जहां बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट हुई है। 132 केवी जीएसएस के टेक्निकल सर्वे के लिए अधिकारी ये गए थे स्टेट हाईवे पर, सरकारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर मारपीट की गई। शुक्रिया सर, सरपंच और उनके पुत्र पर आरोप लगा, मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। श्रीडूंगरगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुक्रिया सर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। स्टेट हाईवे पर सरकारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर मारपीट की गई बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता के साथ, और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां सड़क पर सरकारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई गई और कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट की गई। फिलहाल श्रीडूंगरगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ठुकरियासर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से बदसलूकी हो रही है, मारपीट हो रही है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है, ये तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली हैं। इस तरीके से इतने हौसले कैसे बुलंद हो जाते हैं? मनीषा, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से सरकारी एक कर्मचारी के साथ सड़क पर सरेआम गाड़ी रोककर उसके साथ मारपीट की जाती है, ये पूरा मामला श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के टुकरियासर गांव का है, जहां पर टुकरियासर गांव में 132 केवी जीएसएस का टेक्निकल सर्वे कर ये बिजली विभाग के अधिकारी है वो वापस आ रहे थे। इसी दरमियान टुकरियासर गांव के सरपंच है उसके पुत्र पर ये आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा गाड़ी को रुकवा कर इसके साथ टेक्निक जयन के साथ मारपीट की गई है। और फिलहाल स्टेट हाईवे पर सरकारी गाड़ी को रोक कर मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने का मामला श्रीडूंगरगढ़ पुलिस थाना में दर्ज करवाया गया है, जिसमें टुकरियासर गांव के सरपंच व उसके पुत्र पर मारपीट के आरोप लगे हैं। जिस प्रकार से मारपीट का वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद काफी लोगों में आक्रोश है, सरकारी कर्मचारियों में भी काफी आक्रोश है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकारी नुमाइंदे होते हैं वो मौके पर जाके अपनी कार्य सरकारी कार्य करते हैं, तो इसी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का भी आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से सरेआम सड़क पर एक सरकारी अधिकारी को रोककर मारपीट करना कितना सही है जनप्रतिनिधियों के लिए। अच्छा, पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा गया, क्योंकि वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या पूरी तरीके से ठीक है? जी मनीषा, देखिए जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो सामने आने के बाद वीडियो के आधार पर पुलिस ने परिवादी से रिपोर्ट लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ठुकरियासर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट हुई है। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ से ये बड़ी खबर है और मारपीट का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि सच बेधड़क फिलहाल वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल मामले को लेकर कर रही है।